इन दिनों भारत और कनाडा देशों के बीच रिश्तों में काफी तनाव चल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक बयान और लिए गए कदमों ने देश के रिश्ते चिंताजनक बना दिए हैं। इस बीच कनाडा के मंत्री का बयान सामने आया है जो बिल्कुल उलट है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ संबंध महत्वपूर्ण है, उनका देश भारत प्रशांत रणनीति जैसी साझेदारियों को आगे बढ़ाता रहेगा। देखा जाए तो कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जान जाने के बाद कनाडा ने आरोप तो भारत पर लगाए, पर खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही घर में घिरते नजर आए, जिसके बाद राजनीति और तेज हो गई। इस बीच कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा है कि भारत के साथ संबंध महत्वपूर्ण है, उनका देश भारत प्रशांत रणनीति जैसी साझेदारियों को आगे बढ़ाता रहेगा। कनाडाई रक्षा मंत्री ब्लेयर ने ग्लोबल न्यूज से बात करते हुए ये बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आरोपों की जांच जारी रहने तक कनाडा भारत के साथ साझेदारियों को आगे बढ़ाता रहेगा। भारत के साथ रिश्ते और संबंध महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनका देश इंडो पैसिफिक रणनीति जैसी साझेदारियों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा, लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का मामला भी जांच का विषय है और इस मामले में जांच जारी रहेगी। ब्लेयर ने अपने बयान में कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून का पालन करें और अपने नागरिकों की सुरक्षा करें, और साथ ही ये सुनिश्चित करें कि हम पूरी जांच करें और मामले की तह तक पहुंचकर सच्चाई निकालें। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की जान जाना हमारी संप्रभुता का उल्लंघन होगा और कनाडा के लिए ये बहुत बड़ी चिंता होगी। तो वहीं इस मामले पर जस्टिन ट्रूडो ही अपने देश में घिरते नजर आए। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई ना करने के लिए अपनी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। चंद्र आर्य ने कहा कि चरमपंथियों की तरफ से जारी की गई धमकियों के बाद हिंदू कनाडाई डरे हुए थे। बता दें कि लिबरल पार्टी के सांसद ने हिंदू कनाडाई लोगों के लिए खतरों की बात समय समय पर उठाई है और समुदाय से शांत और सतर्क रहने की भी अपील की है। उन्होंने ये बयान गुरपंत सिंह पन्नू और अन्य चरमपंथियों की तरफ से कनाडा में हिंदू समुदाय को धमकी जारी करने के बाद दिया। जाहिर है कि दोनों देशों के रिश्ते दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले भारत ने कनाडा से अपनी धरती से सक्रिय आतंकवादियों और भारत विरोधी तत्वों पर सख्ती बरतने को कहा और कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया। भारत ने कनाडा से देश में अपने राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए भी कहा और तर्क दिया कि आपसी राजनयिक उपस्थिति में ताकत और रैंक में समानता होनी चाहिए। भारत में कनाडाई राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कनाडा की तुलना में ज्यादा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।